अब दोस्तों हम लोग दूसरी यहाँ की जो सबसे प्रमुख स्थल है दुर्ग का, उसके उसके लिए जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो आपका स्नानागार है ना, ये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लिया जाता होगा। वैसे तो माल गोदाम भी सार्वजनिक प्रयोजनों के प्रयोग में ही लिया जाता होगा, क्योंकि इतना बड़ा माल गोदाम अकेले एक आदमी क्या करेगा, है ना। कोई अपना कितना खजाना रखेगा, तो सारे होगा खजाना, सरकारी खजाना या फिर कुछ और चीज़ें रखने के, खजाने के रूप में अनाज ही होगा ना, तो वही सब कुछ जो है रखते होंगे। खैर, यहाँ पर स्नानागार भी इसी प्रकार से था, सार्वजनिक था, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लिया जाता होगा, सारे लोग इकट्ठे होते होंगे वहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो स्नानागार के बारे में देखो, मैं आपको वीडियो में तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आगे वाली वीडियो जो आएगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में से एक रहा होगा इनके यहाँ पर। आप इस स्नानागार के गड्ढे को देखो, इनका जो आंगन है ना, मतलब जो हौज है जिसे हम गड्ढा बोल सकते हैं दोस्तों, वो आयताकार था। इसके चारों तरफ में एक गलियारा बना हुआ है, आप इस गलियारे को यहाँ से ऐसे देख सकते हो दोस्तों। ये जो गलियारा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विशाल है, लोग वहाँ पर बैठते होंगे या फिर घूमते फिरते होंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो तल है, तल तक जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ना दो सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था, मतलब एक आप देख सकते हो उत्तर दिशा से और एक दक्षिण दिशा से सीढ़ियाँ बनी थी, यानी कि नीचे पानी में जाने के लिए। अब आप ये सोचोगे कि उनके यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, ठीक है, उनके यहाँ पर मिट्टी से, सॉरी, ईंटों से बना हुआ एक जलाशय था, हौज था, ठीक है, लेकिन उनके यहाँ पानी कैसे आता होगा, ये एक बड़ी बात है। तो दोस्तों पानी के लिए इन्होंने बहुत ही अजीब सा सिस्टम कर रखा था, अजीब मतलब आजकल जैसी टेक्नोलॉजी का। आप ये वाला जो कुआं देख पा रहे हैं, इस वाले कुएं में डबल रिंग का प्रयोग किया जाता था। डबल रिंग क्या है, डबल रिंग का मतलब एक अंदरी कुआं है और दोस्तों एक बाहरी कुआं है। अंदर वाले कुएं से पानी निकाल करके बाहर वाले कुएं में भर दिया जाता था, और बाहर वाले कुएं से दोस्तों एक टिकली वो उन्होंने ऐसे रास्ता बना रखा था, उस रास्ते के जरिए जो पानी है वो हौज तक पहुंच जाता था। आप इस वीडियो में देखिए ध्यान से, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से पानी को पहुँचाया जाता था हौज तक। तो ठीक है, इतना हो गया, लेकिन आप सोचेंगे कि पानी इतना भर दिया, भरने के बाद में उसको निकाला कैसे जाता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी जुगाड़ लगा करके रखी थी इन्होंने। ये ना पक्का नाली का गलियारा बनाया हुआ है, देखो इसमें यहाँ पर ये दरवाज़ा लग रखा है दोस्तों। ये जो दरवाज़ा है इसको बेसिकली दरवाज़ा नहीं है, ईंटें वीटों का ही हिसाब किताब है। तो ये ईंटें हटा देते थे ये लोग, और धीरे धीरे जो पानी है उसका जो ड्रेन है तो वो ड्रेनेज होकर के बाहर बड़े नाले तक चला जाता था। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। और दोस्तों सबसे खास बात आपको मैं बताता हूँ कि ईंटें जो होती हैं, अगर कच्ची हों या उतनी पक्की हुई नहीं हो, फिर भी जैसी भी ईंटें हों वो दोस्तों पानी को थोड़ा बहुत सोख लेती हैं या फिर कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो आप इनके हौज को देखिए, इनके हौज के जो चारों तरफ है ना, यहाँ पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है ताकि पानी सोखे नहीं। और हमें पता है जिप्सम जो होता है, आप प्लास्टर वाला, जब किसी का हार्ट टूट जाता है तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में डॉक्टर क्या करता है, पट्टी लपेट देता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जिप्सम लेता है और ऐसे अच्छे तरीके से लगा देता है, वो जिप्सम हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद में दोस्तों इतना हार्ड हो जाता है कि आप अगर ईंट लेकर के भी उसको फोड़ेंगे तो वो नहीं फूटेगा, ईंट टूट जाएगा। तो जिप्सम बहुत मजबूत हो जाता है, उसका दोस्तों प्रयोग किया गया था चारों तरफ में ताकि पानी निकले नहीं। सोचो क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा होगा। तो ये जो पानी निकलने का सिस्टम है, हौज जैसे भर गया, ठीक है, कोई साल के किसी त्यौहार व्यवहार में सारे लोग वहाँ पर आ गए, और उसके बाद में जब ये हौज भर गया होगा तब दोस्तों इस हौज को खाली करने के लिए ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन ये सारी बातें ठीक है, हम इसके बारे में ना खूब आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी हमें ना वो सारी बातें समझनी है जो हमारी बुक में देखना है हमको, जिसको लिख करके नंबर पाना है, ठीक है। अभी नंबर पाना ज़रूरी है, चीज़ें भी समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको दोनों ही काम कराऊंगा। सबसे पहले नंबर के लिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जलाशय के किनारों पर दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किया गया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप याद रखेंगे। और अगला पॉइंट यहाँ पर है कि जो स्नानागार था ना, ये फर्श इनकी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। अब वो चीज़ आपको वीडियो में भी दिखाई दी होगी कि इनकी सारी जो ईंटें हैं दोस्तों वो पक्की ईंटों की बना रखे हैं। वही चीज़ है, ईंटें किससे पकाई होंगी, धूप से या फिर आग से, ठीक है। तो मोस्टली ईंटें आग से पकी हुई थी, कम ही ईंटें जो साइड की थी वो उससे धूप से पकाई गई थी। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको बहुत 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 विशेष रूप से समझनी है, वो है इनकी तीनों ओर के कमरों के बारे में। जैसे जो आपका ये जलाशय था ना, इसके तीनों ओर दोस्तों कमरे बने हुए थे, उन कमरों में काफ़ी हलचल रहती होगी, रुकने बैठने का स्थान होगा या फिर जो है दोस्तों इस प्रकार से बनाया होगा कि लोग आकर के विश्राम कर सके। अच्छा, तीनों कमरों में एक कमरा ऐसा था जिसमें बड़ा सा कुआं बना था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, रिंग वाला कुआं, डबल रिंग का कुआं, उसमें से जो है पानी निकाल करके हौज तक पहुँचाया जाता था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एक और चीज़ आप समझे इसमें
कि कोने में एक निर्गम मुख था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये वाला यही एक निर्गम मुख है जो ड्रेनेज सिस्टम था इनका पानी निकालने का, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम, वो बना रखा था इन्होंने हौज के कुएं से। तो ये भी एक पॉइंट के रूप में आप लिख लेंगे। और एक और पॉइंट है कि एक कमरे में इनका कुआं बना हुआ था जो मैंने अभी बताया। अच्छा, ये तो प्रमुख जो स्नानागार है दोस्तों उसके बारे में। उसके अपोजिट साइड में भी एक छोटी सी आकृति मिली है, आप इस वाली वीडियो में देखें, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये जो आकृति है, यहाँ पर 8 छोटे छोटे स्नानागार देखने को मिलते हैं, 4-4 लाइन से लगे हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा विशाल है, उतने बड़े नहीं है क्योंकि ये तो एक बड़ा सा हौज हो गया, ठीक है, स्नानागार हो गया। लेकिन ये जो है, ये दोस्तों छोटे छोटे स्नानागार थे, 8 स्नानागार थे, ये इस प्रकार से बने हुए थे कि सभी का जो पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, वो जा करके उसी नाले में मिल जाता था, बड़े नाले में मिल जाता था। और फिर इस तरीके से मोहनजोदड़ो का जो पूरा हिसाब किताब है दोस्तों दुर्ग का, वो इन लोगों ने बना करके रखा हुआ था।